और अब डिफेंस से जुड़ी आज की अहम खबर। रूस ने शुरू की S-400 मिसाइल सिस्टम की सप्लाई, ये बड़ी खबर। S-400 को समुद्री और हवाई मार्ग से डिलीवर किया जाएगा। पश्चिमी फ्रंट पर आएगी पहली स्क्वाड्रन, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। पश्चिमी फ्रंट पर S-400 सिस्टम की पहली स्क्वाड्रन लाई जाएगी। S-400 को समुद्री और हवाई मार्ग से किया जाएगा डिलीवर। इस वक्त हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, और क्या अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि S-400 सिस्टम के आने का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल समीर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 2018 में जब इसकी डील को साइन किया गया था, करीबन $5.2 बिलियन की डील थी। खास बात ये थी कि 2020 के अंदर इसको लाना था, लेकिन कई टेक्निकल इश्यूज के चलते इसको डिले कर दिया गया। कहा यह जा रहा है कि कल भी रशिया में बात कही गई आला अधिकारियों की तरफ से रशिया के, कि वो प्रोसीडिंग्स या फिर वो डिलीवरी जो है उसके कई कंपोनेंट डिलीवर करने शुरू हो गए हैं। यानी वो जो प्रोसेस था जो लंबे समय से रुका हुआ था, अब उसको शुरू इनिशिएट कर दिया गया। महत्वपूर्ण ये था, जिस तरीके से आपने बताया, 400 किलोमीटर की रेंज में इसके अंदर ना सिर्फ रेडार्स होते हैं बल्कि रेडार एक्विजिशन भी होते हैं, बैटरीज होते हैं जो लॉन्चर फायर कर सकते हैं, एक कमांड पोस्ट होती है। तो ये अपने आप में एक चलता फिरता एयर डिफेंस सिस्टम है, जो अगर भारत के पास आ जाता है तो भारत की कई इलाकों के अंदर, आप कह सकते हैं कि कई शहरों को में डिप्लॉय कर इससे लंबे दूरी तक के मिसाइल्स या रॉकेट को ना सिर्फ उनको 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 ट्रैक किया जा सकता है बल्कि उनको मार भी गिराया जा सकता है। तो ये कह सकते हैं आप कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होगा जब आप एयर डिफेंस की बात करते हैं। समीर, बिल्कुल, अब कितना वक्त और सुमित? ये समीर, कहा ये जा रहा है कि धीरे धीरे, क्योंकि अभी इसके कई कंपोनेंट्स को भेजा जा रहा है, तो अभी 2022 तक इसकी डिलीवरी को पूरा करने की बात कही जा रही है कि 2022 तक लगभग ये डिलीवरी पूरी हो जाएगी। अब लगातार भारत की तरफ से कहा जा रहा था कि जितना जल्दी हो सके इन एयर डिफेंस सिस्टम को भारत को दिया जाए, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते ये डिलीवरी डिले हो गई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 2022 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। तो देखिए, S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को समुद्री और हवाई मार्ग से भारत भेजा जा रहा है। जमीन से हवा में मार करने वाली इस प्रणाली के मिलने के बाद निश्चित तौर पर भारत की मारक क्षमता और मजबूत हो जाएगी। 2019 में यह समझौता हुआ था करीब 40,000 करोड़ रुपए का 5 S-400 सिस्टम खरीदने का। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।